हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 फीचर्स के बारे में बात करने वाले आईफोन के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहला फीचर यहाँ पर है डबल टैप वाला। आप जैसे ही डबल टैप करोगे, अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, डबल टैप करके अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो आप वो भी सेटिंग कर सकते हो, डबल टैप करके आपको स्क्रीन लॉक करना है तो भी कर सकते हो, और डबल टैप करके आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो भी वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये वाला सेटिंग ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर जाना पड़ेगा एसेसिबिलिटी में। इसके अंदर जाके यहाँ पर आपको टच वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये टच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर बैक टैप का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से बैक टैप, डबल टैप और आपको ट्रिपल टैप का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर डबल टैप में कैमरा, कंट्रोल सेंटर, होम, लॉक रोटेशन, लॉक स्क्रीन, आप कुछ भी यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर डबल बार क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आप देख सकते हो। ऐसे दूसरे फीचर्स के बारे में, सो आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र या फिर सफारी ब्राउज़र में आप कुछ भी सर्च करोगे और आप स्क्रॉल करते करते बहुत नीचे आ गए हो, और अगर आपको अभी टॉप के अंदर जाना है तो आपको यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली से यहाँ पर दो बार क्लिक करोगे तो आपको ये टॉप के अंदर लेके जाएगा। अभी बात कर सही ये तीसरे फीचर्स के बारे में, आपको ये कैलकुलेटर मिल जाता है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हो, अगर आपको यहाँ से एक वर्ड इरेज करना हो तो आप यहाँ से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको ये हटाने के लिए यहाँ पर राइट साइड ऐसे या फिर लेफ्ट साइड ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये हट जाएगा। अभी बात करते हैं ये कीपैड के बारे में, आप अगर कुछ भी टाइप करते हो और अगर आपको यहाँ से आप पर्टिकुलर एक वर्ड आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको स्पेस के ऊपर क्लिक करके रखना होगा और यहाँ से आप ऐसे ये कर्सर की तरह आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर से जो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि इसके अंदर सीरी का आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आपको अगर कोई मदर या फिर आपके डैड है तो उनको अगर कॉल लगाना नहीं आता है तो आप सिंपली से यहाँ पर सीरी को कह के आप कॉल भी लगा सकते हो। हे सीरी, कॉल उमेश 2। आपको खाली ऐसे ही बोलोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉल लग गया है। तो ये वाला फीचर्स मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सीरी वाला फीचर्स अगर किसको अगर फ़ोन यूज़ करना नहीं आता हो, उसको अगर नंबर डायल करना ना आता हो, तो इसकी मदद से वो नंबर डायल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आती रहती है।